हेलो चिल्ड्रन अलिया वी स्टार्टेड द लेसन फाइव माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू थाउजेंड टेन ओके इन विच वी स्टडीट वट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड इट्स यूजेस ओके फिर हमने स्टडी किया कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं ओके okay? देन हमने सीखा कि हम कैसे न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं एंड ने बिल्डिंग टैम्पलेट्स के बारे में पढ़ा था चिल्ड्रन कि हम बिल्डिंग टैंपलेट्स का यूज कैसे करते हैं ओके okay. सो so, आज हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन अप्लाइंग थीम्स कि हम थीम्स को कैसे अप्लाई करते हैं पेंशन की डेट है ओके अप्लाइंग थीम्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन थीम्स क्या होती हैं थीम्स होती हैं चिल्ड्रन डिजाइंस ठीक है सो so, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थीम्स हमारे प्रेजेंटेशन में लगा सकते हैं थीम्स में क्या क्या इंक्लूड होता है लाइक like, uh, जो हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं ठीक है उसका टाइप लेआउट्स के टाइप कलर्स के टाइप्स सो so, ये सब किस में आते हैं थीम्स में आते हैं ओके थीम्स आर सेट्स ऑफ प्री डिज़ाइंड फॉर्मेट्स दैट इंक्लूड टेक्स्ट लेआउट्स बैकग्राउंड एंड कलर स्कीम एट्सट्रा थीम्स क्या होती हैं चिल्ड्रन एक प्री डिज़ाइन मतलब कि एक पहले से डिजाइन किया हुआ एक फॉर्मेट होता है ठीक है थीम्स क्या होती हैं थीम्स आर द सेट्स ऑफ प्री डिजाइन फॉर्मेट्स जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है टैक्सट ले आउट्स बैकग्राउंड एंड कलर स्कीम्स ठीक है सो so, थीम्स में क्या क्या होता है टेक्स्ट होता है लेआउट्स होते हैं इनकी डिज़ाइनिंग होती है टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग लेआउट्स की बैकग्राउंड की कलर्स की दैट कैन बी अप्लाई टू एनी प्रेजेंटेशन जिसे हम प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं और हमारी जो डॉक्यूमेंट है जो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको एक अच्छा सा प्रोफेशनली लुक दे सकते हैं ठीक है थीम्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब हम फर्स्टली क्या करेंगे डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे देन अंडर द थीम्स ग्रो फिर उसके बाद हम थीम्स पे क्लिक करेंगे चिल्ड्रन स्क्रॉल द माउस ओवर द अवेलेबल थंबनेल ऑफ द थीम्स ठीक है उसके बाद हमें थीम्स के थंबनेल नेल लग जाएंगे जैसे देखिए चिल्ड्रेन ये हमारा पावर पॉइंट है हमने क्लिक किया डिज़ाइन पर और यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के जो थंबनेल्स हैं वो हमें शो होने लग गए हैं यहाँ पर ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट तरह की थीम्स हैं हम यहाँ से हमारे विश के अकॉर्डिंग हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं ओके ये हमारे पास क्या ऑप्शन है टू व्यू मोर थीम्स क्लिक ऑन दी मोर ड्रॉप डाउन मेन्यू एट द बॉटम राइट ऑफ द थीम्स क्रो दिस विल ओपन दी थीम्स गैलरी तो देखिए चिल्ड्रन और ज़्यादा थीम्स देखने के लिए हम क्या करते हैं मोर पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मैन्यू में जो यहाँ पे बॉटम पे राइट right पे होता है ठीक है उसके बाद हम उससे क्या होगा एक थीम्स गैलरी ओपन हो जाएगी सिलेक्ट द डिज़ायर थीम टाइप जो हमारे हम जिस थीम को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसे हम लाइक करेंगे जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में उसे सेलेक्ट करेंगे यू विल गेट द सेलेक्टेड थीम ऑन द स्लाइड जो हमारी स्लाइड है उस पर वो थीम अप्लाई हो जाएगी ओके चिल्ड्रन चिल्ड्रेन चिल्ड्रन साइड में टू फिल कलर इन अ शेप ऑब्जेक्ट अगर हम किसी शेप में कलर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे सेलेक्ट एनी शेप ऑब्जेक्ट हम किसी शेप को सेलेक्ट करेंगे क्लिक ऑन द शेप फिल बटन इन द ड्राॅइंग ग्रुप ऑन द होम टैब उसके बाद हम होम टैब में ड्राॅइंग ग्रुप में क्लिक करेंगे शेप फिल बटन पे, शेप फिल बटन देखिए कैसा होता है ऐसा होता है ओके सेलेक्ट एनी कलर कलर ऑफ योर चॉइस एंड सी दी चेंज और उसके बाद हम यहाँ से हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट करेंगे ठीक है जो हम कलर्स सेलेक्ट करेंगे वो हमारी शेप में फिल हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन शेप ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग द शिफ्ट की एंड क्लिकिंग ऑन द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं एक से ज़्यादा शेप को हम शेप ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो हम कैसे करेंगे अगर हम शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे चिल्ड्रन तो हम एक से ज़्यादा शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है चिल्ड्रन चेंजिंग कलर स्कीम हम कलर कैसे चेंज करते हैं अब हम वो पढ़ेंगे एवरी प्रेजेंटेशन कम्स विद कलर स्कीम जो भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है हर एक प्रेजेंटेशन चिल्ड्रन एक कलर स्कीम के साथ आती है ठीक है उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं कलर्स होते हैं यू कैन चेंज द कलर स्कीम ऑफ द कंप्लीट प्रेजेंटेशन और अ सिंगल स्लाइड हम क्या कर सकते हैं पूरी प्रेजेंटेशन की कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं या फिर एक सिंगल स्लाइड की भी कलर स्कीम को हम चेंज कर सकते हैं द कलर्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन अ स्लाइड सच एज टाइटल एंड द बैकग्राउंड कैन ऑल्सो बी चेंज सो चिल्ड्रन हम एक हमार, हमारी स्लाइड में क्या होते हैं क्या एलिमेंट्स होते हैं जैसे टाइटल होता है बैकग्राउंड होता है तो हम इसके भी कलर्स चेंज कर सकते हैं ओके okay? इसके लिए हम क्या करेंगे ओपन एनी स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन की कोई भी स्लाइड को ओपन करेंगे क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, उसके बाद हम हम क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब पर यू विल फाइंड अ गैलरी ऑफ डिफरेंट थीम्स इन द थीम्स ग्रुप उसके बाद आप देखेंगे चिल्ड्रेन जो थीम्स uh, की गैलरी है वहाँ पे क्या है डिफरेंट डिफरेंट थीम्स ग्रुप हैं preview द इफेक्ट ऑफ any थीम्स बिफोर सेलेक्टिंग इट from योर स्लाइड by hovering द माउस over इट सो चिल्ड्रन हम जो हम जो हमारे पास ऐसे थीम्स ओपन होगी तो हम उसका प्रव्यू करके देख सकते हैं उसका एक सैम्पल लेके देख सकते हैं कि हमारे जो प्रेजेंटेशन है अगर हम इस थीम को अप्लाई करेंगे तो कैसी लगेगी ओके तो हम माउस को मूव करके वो क्या कर सकते हैं प्रेव्यू ले सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रेन राइट क्लिक ऑन दी सिलेक्टेड थीम जो हमें थीम सेलेक्ट करनी है उस पर हम राइट right क्लिक करेंगे अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स उससे क्या हुआ एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा मतलब हमारे पास कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे सेलेक्ट दिस सेट एज डिफॉल्ट थीम ऑप्शन फिर हम किस पे क्लिक करेंगे किसे सेलेक्ट करेंगे सेट एज डिफॉल्ट थीम ठीक है द थीम विल बी अप्लाइड टू ऑल स्लाइड्स जो थीम हम सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेगी सभी स्लाइड्स में वो थीम अप्लाई हो जाएगी ओके बाद चिल्ड्रन कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे क्लिक ऑन द कलर्स बटन एंड सिलेक्ट द डिज़ायर कलर स्कीम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ये देखिए चिल्ड्रन यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है कलर्स का ऑप्शन आ रहा है ना हम इस कलर्स के बटन पर क्लिक करेंगे उससे क्या होगा हमारे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में कलर स्कीम ओपन हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ओपन हो जाएंगे ओके टू अप्लाई द कलर स्कीम टू ऑल द स्लाइड्स कलर स्कीम अप्लाई करने के लिए सभी स्लाइड्स जितनी भी प्रेजेंटेशन में आपकी स्लाइड्स हैं उन पर कलर स्कीम अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे राइट क्लिक ऑन द कलर स्कीम एंड सिलेक्ट द अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स ऑप्शन हम क्या करेंगे कलर स्कीम राइट क्लिक करने के बाद कलर स्कीम कलर स्कीम पर हम राइट right क्लिक करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स ऑप्शन ठीक है हम कलर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स Apply to और slides पे हम क्यों करें क्यों तब क्लिक करेंगे चिल्ड्रन जब हमने प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स में वो कलर स्कीम अप्लाई करनी है जो हमने सेलेक्ट करनी है अगर हम एक स्लाइड पे लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे इनकेस यू वॉन्ट टू अप्लाई द कलर स्कीम ओनली टू द सेलेक्टेड स्लाइड सेलेक्ट द ऑप्शन अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड अगर हम पर्टिकुलर किसी सिलेक्टेड स्लाइड पर कलर स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम किस पर सिलेक्ट करेंगे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स ओके चिल्ड्रन यहाँ क्या लिखा है फ्लिपिंग मीन्स टू क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ द सिलेक्टेड शेप और ऑब्जेक्ट फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मिरर कोई भी इमेज है चिल्ड्रन तो हम उसका क्या करते हैं उसकी मिरर इमेज बनाने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं फ्लिपिंग पर ओके okay? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है उसके सामने उसकी क्या बन जाएगी मिरर इमेज बन जाएगी ओके okay? ये पावर पॉइंट है और देखिए थीम अप्लाई करने के लिए हम यहाँ जाएंगे डिज़ाइन पर ठीक है डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास थीम्स आने लग गए हैं हम यहाँ से किसी भी थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ओके okay? लाइक मैं इस थीम को सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये देखिए चिल्ड्रन ये थीम क्या हो गई है अप्लाई हो गई है ठीक है और कलर स्कीम लगाने के लिए हम क्या करते हैं चिल्ड्रन देखिए अगर जैसे मैंने ये थीम सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी और फिर क्लिक करूंगी सेट एज डिफॉल्ट थीम ओके इसके बाद देखिए चिल्ड्रन यहाँ पे ऑप्शन है कलर्स का ठीक है ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं अपनी मनपसंद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर स्कीम को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी ठीक है चिल्ड्रन अगर मुझे जैसे कि मैंने ये वाली फाउंड्री फ्लो नेम की कलर स्कीम है ये अप्लाई करनी है तो मैं क्या करूँगी इस पर राइट क्लिक क्लिक मैं फ्लो पे सेलेक्ट करूँगी और राइट क्लिक करूँगी अगर मुझे सभी स्लाइड्स पर ये अप्लाई करनी है तो मैं करूँगी अप्लाई टू तो ऑल स्लाइड्स अगर सिलेक्टेड पर अप्लाई करनी है तो मैं क्लिक करूँगी अप्लाई टू तो सिलेक्टेड स्लाइड ओके